मैंने पिछले 7 साल में 10 से भी ज्यादा YouTube चैनल्स बनाए, जिसमें हर चैनल में 50 से ज्यादा वीडियोस हैं और कुछ कुछ चैनल में तो 200 से भी ज्यादा वीडियोस हैं। टोटल मिला के मैंने 1000 से भी ज्यादा वीडियोस बनाए हैं, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर शायद मुझे कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि ऐसा क्यों हुआ, और मैं ये चीज आज इस वीडियो से तुम्हें बताने वाला हूँ। तो हाय गाइस, मेरा नाम है बड़ा क्रेजी और मैं यहाँ पे चीजों को रिव्यू करता हूँ। आज मैं अपनी खुद की जिंदगी के YouTube चैनल्स की ग्रोथ को रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ आज तक यूट्यूब में। सबसे पहली चीज जो कि है नीश सिलेक्शन। ये नीश का मतलब आज तक मुझे नहीं समझा, पर नीश का YouTube चैनल से काफी आसपास का नाता है ये मुझे पता है। तुम्हें वीडियोस बनाने के पहले पता होना चाहिए कि तुम कौन सी ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहे हो, और उस हिसाब से अपनी ऑडियंस को तुम्हें वैल्यूएबल कंटेंट देना है जो शायद बाकी चैनल्स नहीं दे रहे हैं। इससे तुम्हारा चैनल अलग होगा बाकी सारे चैनल से। कंटेंट की क्वालिटी, यह है दूसरे नंबर पे। मैंने अपने सारे चैनल्स पे सिर्फ वीडियो बनाए हैं, ना किसी को दिखाए, ना किसी से राय ली, ना कि कभी सोचा कि कैसे वो वीडियोस बन रहे हैं। मैंने किसी को वीडियोस वो दिखाए ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम यूट्यूब पे अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाओ जो व्यूअर को एंगेज कर सके और उनके दिलों को वो छू जाए। खुद के वीडियोस को एनालाइज करो और लोगों को दिखाओ और लोगों को पूछो कि तुम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, कैसे स्टोरी टेलिंग को बेटर कर सकते हो और कैसे तुम वीडियो में एजुकेशनल वैल्यू बढ़ा सकते हो। लोगों से फीडबैक लेना उतना ही ज़रूरी है जितना वीडियो बनाना है। तीसरी चीज ये है कि कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी। मैंने एक और गलती ये की कि मैंने धड़ाधड़ वीडियोस डाले, फिर मैं 1-2 साल तक कुछ नहीं डाला वहाँ पे, फिर वापस थोड़े वीडियोस डाले और फिर वापस बंद कर दिया वीडियो अपलोड करना, जो कि गलत साबित हुआ। रेगुलरली कंटेंट अपलोड करना जरूरी है ताकि तुम्हारी ऑडियंस डेवलप हो सके। रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि हर दिन वीडियो डालो, हर वीक वीडियो डालो, पर एक पैटर्न होना चाहिए ताकि तुम्हारी ऑडियंस को अलग अलग वक्त पे तुम्हारा कंटेंट मिलते रहे। तुम वीडियोस बना के स्केड्यूल करके भी रख सकते हो, वो भी काम आता है। याद रखो, इतने ही वीडियोस बनाओ जिससे तुम्हें मजा आए और तुम बर्नआउट ना हो जाओ यार, क्योंकि बर्नआउट होने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता। चौथी चीज ये है कि SEO ऑप्टिमाइजेशन करो अपने YouTube का। मतलब ऑप्टिमाइज्ड वीडियो टाइटल्स डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, टैग्स डालो और जो तुम्हारे टॉपिक के आसपास के कीवर्ड्स है उसको डालो, जिससे कि YouTube को समझ में आए कि तुम्हारा कंटेंट एग्जैक्टली है क्या, और ऐसा होने में YouTube तुम्हें रेकमेंड करेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। इसके एटलीस्ट चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रमोशन एंड मार्केटिंग, ये है 5वां नंबर का लेसन जो मैंने सीखा है। मैंने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस नहीं डाले YouTube छोड़ के, ये मेरी गलती हो गई। YouTube की ऑर्गेनिक ग्रोथ पे इतना भी भरोसा मत करो। तुम्हारे वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालो, अलग अलग फोरम्स में डालो और ऐसे ग्रुप्स में डालो जहाँ लोग हैं, लाइक कम्युनिटीज, जिससे कि तुम्हें वाइड ऑडियंस तक पहुंच मिले। अलग अलग यूट्यूबर जो तुम्हारी नीश में हैं उनके साथ कोलैबोरेट करो, जिससे कि दोनों की रीच बढ़े और नए लोगों तक तुम्हारा चैनल पहुंच सके। 6वीं चीज जो कि मैंने सीखी, जो कि है एंगेजमेंट विद द ऑडियंस। यानी यार, बस अपनी ऑडियंस से एंगेज करो, जैसे कि वो भी तुम्हारे चैनल में इंटरेस्टेड रहे। उनको सवाल पूछो, कमेंट करने बोलो, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करो, और अगर तुम कर सकते हो तो गिव अवे करो, जिससे लोगों में तुम्हारी बातें होने लगी और तुम्हारे चैनल और लोगों तक पहुंच सके, और इन सब से तुम्हारा रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। यानी लोग ज्यादा समय तक तुम्हारा वीडियो देखेंगे या चैनल पे रहेंगे तुम्हारे। 7वीं चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि चैनल की जो ब्रांडिंग होती है उसको ठीक कर दो। यानी मतलब, मैंने आज तक अपने चैनल पे लोगो नहीं डाला, ना ही कोई अच्छा बैनर डाला, ना ही मेरे थंबनेल्स अच्छे हैं, वो भी बस ठीक ठाक ही होते हैं। तो ये एक
गलती है, ये गलती तुम मत करो। इन सब चीजों पे ध्यान देके इनको सुधारो। अपने थंबनेल्स अच्छे बनाओ जिससे कि लोगों के दिमाग में एक छाप पड़ जाए कि यार ये ऐसे टाइप के थंबनेल्स सिर्फ यही क्रिएटर बनाता है। और सही कंसिस्टेंसी से ब्रांडिंग करो पूरे चैनल पे, जैसे कि सेम कलर, सेम थीम या जो भी तुम्हें सही लगे यार। आठवीं चीज़ जो कि मैंने सीखी है अपने 7 साल के YouTube की जर्नी में, मैंने अपने चैनल की एनालिटिक्स देखना शायद पिछले ही साल शुरू किया है। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि यार एनालिटिक्स क्या होती है। अभी मैं अपने हर वीडियो की एनालिटिक्स देखता हूँ, हर वीक देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ, हर मंथ देखता हूँ। क्या ऐसा करूँ जिससे मैं अपने कंटेंट को थोड़ा और सुधार सकूँ, थोड़ा बेहतर कर सकूँ। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन और डेमोग्राफिक्स जैसे मैट्रिक्स देख के बहुत कुछ समझ सकते हो अपने ऑडियंस के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में, और बाद में अपने वीडियोस में बदलाव कर सकते हो और उससे ये मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएंगे। एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाने में काफ़ी वक्त और पेशेंस लगता है, डेडिकेशन लगता है। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो जिससे कि आपका कंटेंट अच्छा होते रहेगा और आपकी ऑडियंस भी। मायूस होके छोड़ मत देना, क्योंकि अगर तुम मेहनत करते रहोगे एक दिन जरूर वो तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। पर मेरे दोस्तों, हार मत मानो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, सीखते रहो। और ये याद रखो, बाकी सारे यूट्यूबर्स ने भी ये सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और उनको ओवरकम करके ही आज वो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ वो आज है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन अपने को भी तो बड़ा होना है ना। हाँ हाँ है ना।